हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार व सभ्य सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए। और ख़ासकर नूह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई हैं, हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है, अपनी हुकूमत 4 बार यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार वहाँ रही है, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने अपनी हुकूमत में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन बना के कानून का राज कायम करके वहाँ दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष, गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए ताकि वहाँ हालात आगे ना बिगड़ने पाए, जिसकी आशंका को लेकर ही दिल्ली व यूपी सहित अन्य कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो उचित कदम भी है। अंत में अब मैं अपनी व पार्टी की ओर से हरियाणा व नज़दीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।